अरे पोपट हो गया बेचारों का मग्गा दे दो बेशरम को। दूसरी बार यहाँ खाने बैठ रहा है बेशरम है गाइस, ये हम नहीं बताएंगे, ये आखिर में पता चलेगा कौन है। गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप सब, स्वागत है मेरे को नए व्लॉग में। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है रामनवमी के भंडारे पे। तो आप सबको मेरी ओर से रामनवमी की खूब खूब शुभकामनाएं और हैप्पी रामनवमी इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार। तो गाइस आज अपन जा रहे हैं, आज दो जगह का भंडारा है, साईं मंदिर में भंडारा है, उसके बाद है एक बजरंग गार्डन में हमारे स्कूल के पास है, गीतांजलि गार्डन में भी, गीतांजलि गार्डन में जाएंगे और जिसके साथ सबसे पहले हम पहले वहाँ पे जाएंगे, फिर घूमते फिरते साईं कॉलोनी से फिर बजरंग कॉलोनी में आएंगे ऐसे घूमते हुए। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो मैं वो जैसे घर से स्टार्ट तो नहीं करूँगा लेकिन एंड वहीं पर करूँगा, तो मिलते उस समय। पूछते कैसा लगा भाई स्पीड अप? भाई सही में तो इतना डराता है ना, कहीं के दिन ट्रैफिक में फंस गए ना। नहीं नहीं ट्रैफिक में नहीं है, तो पूरा सड़क तेरे सामने देखा पूरा खाली था। गाइस कभी भी मत करना ये ट्राई, ये तो बस इसको थोड़ा सा डराने के लिए करा था, है नहीं? सही में खाली था सड़क और आप देख भी लेना उसमें एक ट्रैक्टर था बस आगे, वो कुछ भी नहीं था। हम गरीब आदमी हमें डर लगता है। अरे 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 इतना काय का डर लगता है भैया, अपनी ओली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आई है। बस यहाँ से हमारी नंबर प्लेट टूट गई, अब आगे जो भी है देख लेना। एक और कमीना आ गया रास्ते में, एक और। हाँ तो पहचान कौन? पहचान दो अक्का बाबू भाई। ओ बाबू भाई, थोड़े से भी बाबू भैया नहीं दिखता तू। बाबू भैया, बाबू भाई, बाबू भैया तुम्हारा तो हम सोमी भैया है। नहीं था क्या? तो सोमी नाम है यार, क्या कर भैया। अच्छा तभी मास्क पहन रहा है नी ये वो है माफिया लोग जो उनको चोरी चकारी करने के लिए कहीं पहुंच जाते। इस बता हंसी बनती है अजीब, ए मीम वाली हंसी बनती। ओ हो 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 देखो क्या निकाल दिया इसने। बेटा तोड़ पोपट हो गया गाइस, पोपट हो गया रोचल, पोपट हो गया रोचल, पोपट हो गया बेचारों का। मग्गा दे दो अजीत, कैसा लगा पोपट होके जी? उनको हमें तो आनंद लगा कि हमें नुक्ति मिल गई प्रसाद के रूप में, वो ही खाएंगे। बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा ही दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ हमें कि हम दुआ बैठे अभी खाना। बड़ा अच्छे इंसान थे, किस्मत में नहीं था, दुआ बैठे हमें खाना नहीं मिला, किस्मत में नहीं था यार। तो फाइनली वहां से आए, अब यहाँ पे खाना खाएंगे बजरंग कॉलोनी में। जा 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 जा, कम ऑन कम ऑन, तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, बेशर्म बेशर्मी की हद भी होती है यार, वो तेरे पास ही रखा अभी। अब खाना इसको खिलाते हैं बेचारे, मानो कब से भूखा हो रहा है, क्यों यार भाई यार। एक दो पूरी खिला देते बेचारे को, हो गया उसका 250 ग्राम वजन कम। बेशरम को दूसरी बार यहाँ खाने बैठ रहा है बेशरम है, कितना खाएगा तू? वाह देखो इनको भूख लग रही है, बिना सब्जी के खाएगा क्या यार? हो जाए ये अपन जूस पीने चाहते थे ना, मैंने सुना था जूस में चलना था अपने को, चलेंगे ना अभी। वाह वाह भी चलेंगे, बेशरम कम है क्या? ज्यादा ही बेशरम है, ज्यादा ही बेशरम है। फाइनली गाइस निकलते हैं यहाँ से, खाना खा चुके, खाना खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। गाइस कैसा लगा आपको इतने समय? अब बहुत अच्छा लगा खाना खाके। कितनी पूरी खाई? दो पूरी खाई थी, ज्यादा पूरी नहीं खाई क्योंकि भाई आपने भूखे इंसान। मिर्ची बहुत थी यार, भाई 10 पूरी खा गया, वाली मिर्ची कम थी। ये ले, अरे नहीं नहीं 10 पूरी उसे एक पूरी नहीं खवाई, 10 पूरी का था खा लिया वो। देखो 25 रुपए जिम जाता, 3-4 महीने हो गए सर, जिम जाते। और बाप रे सर, सर डर गए, शर्म जाएगा सर। आप कहाँ जूस पीने? ठीक है भाई सब चलते हैं सीधे जूस पीने, वहीं मिलते हैं। अरे रे रे तुझे बैगन का जूस पसंद है? नहीं भाई हम तो स्टिंग वाले करेले का पसंद है। करेले देखो कौन सा पसंद है मानो भाई, तो बख्शी दे यार, क्यों बख्शी दे? देखो जी पसंद यार क्या नहीं पसंद,
ये हमारे ग्रुप में नया मेंबर जुड़ चुका है, आप देख सकते हो बेटा। आप नए मेंबर को जुड़ो, ये हमारा पुराना है, पुराना दोस्त है हमारा। तो अपना अभी बना ना। ये तो है, तो अपना अभी बना है ना। बोलो आपको क्या बोलना है, क्या कह रहा था? जिंदगी में कम है, इंस्टाग्राम चला रहे था। अजीत किससे बात कर रहा है? हरमनप्रीत कौर से। अच्छा, बेइज्जती कर दी साले ने। कौन सा आम का बोला ना? चार आम के पियेंगे अब। तो गाइस अभी हम लोग जूस पियेंगे, आम का जूस पियेंगे, उसके बाद प्रद्युम्न का अंदर जाके बेचेंगे। और गाइस ऐसा सुनने में आया है कि अंदर कुत्तों की कीमत बहुत ज्यादा है। ले जा रहे कुत्ते भाई। चटू चटू जूस पी लो मोटू। चटू चलो इनसे डाली नहीं रही, हमारा हाथ दुख रहे भाई, जल्दी कर। तू लोग बना के अब देखे छोटू लिया है, पिएगा। थैंक यू छोटू। अजीत छोटू थैंक यू। अजीत छोटू बस ना बीस मैं जा गए। बाबू सो रहा था क्या तू? बाबू ये ऐसे निकले बाबू तो है बाबू भाई ना कि भैया। बाबू भैया, बाबू भैया जैसा कोई तो बन भी नहीं सकता। चलो भैया फटाफट निकलो रे, फटाफट निकलो। ओ भाई गाज ये क्या हुआ भाई? देखो क्या सही में क्या हो गया रे कैमरे में? खेड़ापति का लाओ, खेड़ापति खेड़ापति यार भाई घर पे काम है, खेड़ापति चल जा साथ। चल जा अबे का साथ चल जा, मैं भी घर जा रहा हूँ यार, मैं भी घर जा रहा हूँ यार, सही में मजाक नहीं कर रहा है, मुझे भी घर जाना है। टाइम हो गया, क्या करे, चले उधर जाएगा इतनी दूर? हाँ घर जाऊंगा अब तो। सो फाइनली गाइस आ चुके अभी ओजस के घर पे। अब ये व्लॉग फटाफट खत्म करना है, ओजस को भी निकलना है काम से, वो मुझे भी घर जाना है, तो यही एंड करेंगे। तो ये ओजस की कुछ स्केच दिखा देते, इसने बनाए, दिखा भाई। पहले अपने अजय नागर साहब का दिखा। अजय नागर तो छोड़ भाई, वो होता अभी बनाया, तेरे को पुराने वाले दिखाता हूँ जो मैंने बहुत अच्छा पुराने दिखाए हैं, पुराने बनाए ठीक है, जिनको एक एक साल हो गया है। सो ये है, ये 21 मार्च को बनाया था मैंने 2022 में। वाह यार कलाकार। ये पता नहीं कब बनाया था, ये तो मैंने फर्स्ट शेडिंग का बनाया था, ये 2021 का है, ये 2021 का है, और ये इसका बर्थडे बनाया था 2 अक्टूबर। भाई ये फोटो आपने देखी होगी, मैंने डिलीट कर दी अब तो। आगे देखते हैं और किस किस के भाई, पहचानो कौन है? हाँ भाई आवाज से पहचानो, अरशद वारसी दिखाइए। आगे ये मेरी मम्मी को बनवाया था मैंने इससे। ये मेरे बड़े मामा भाई, ये सच में फर्स्ट रियलिस्टिक स्केच है, ये मैं 2 फरवरी को बनाया था जब मेरे मामा का बर्थडे था शायद, या फिर उनने नहीं उस टाइम वो एडीजे बने थे तब मैंने उनके लिए बनाया था, फर्स्ट रियलिस्टिक स्केच है ये। वाह शाबाश। और इसके बाद ये है आमिर खान का बनाया था, बना नहीं था ये, गजनी साहब। ये हमारा 10th का सिलेबस, मिस्टर परफेक्ट कहते ना। ये मेरी मौसी का बनाया था मैंने, एक नंबर, पूरा प्रिपेयर करा था। और ये मैंने बनाने की कोशिश करी थी, वो नहीं बनी था, ये इसका बनाने की कोशिश कर रहा था आपके क्रिएटर भाइयों। रुको सुनो, जस्ट तेरी इंस्टा आईडी दे दे क्या ऑर्डर के लिए? हाँ दे सकते हो तुम तो, ठीक है गाइस। इसकी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जाके फॉलो करना इसको, और ऑर्डर भी ले लेगा ये, सबके मैसेज देख लेगा ना। हाँ तो बस इसको मैं DM कर देना जिस जिसको बनवाने। तो आगे देखें, हाँ एक सेकंड, ये इसकी मम्मी का, इसने दिखा दिया हैप्पी बर्थडे अम्मा, मेड बाय ओजस, बनाए तो अच्छे हो जैसे बनाता, एक नंबर है। ये पहचान राजपाल यादव जी, अपने कॉमेडियन, कल भी इनकी मूवी देख रहा था मैं, चुप पता नहीं कौन सी थी, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हंगामा। ये इंडिया के सबसे पुराने कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, जिन्होंने पूरी दुनिया को हंसा दिया। अगला जोकर, और क्या खतरनाक दिख रहा है, मेड बाय ओजस तिवारी, सब पर लिखा भाई अपने सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू भाई, जो कि अब दुनिया में तो है नहीं, लेकिन उसने बनाया और जिसने, क्या बात है यार खतरनाक। अगला ये पूछेंगे जैसे कौन है, अभी रख देते हैं यहाँ पे साइड में। और देखें ये बॉडी बिल्डर साहब, ये भी पता नहीं कौन है, इसको भी साइड में रखते देखेंगे। और सबके अब अपन को तो पता नहीं, अब हो जैसा आता है तब वापस लोग स्टार्ट करते हैं, देखते क्या क्या है। आ चुका है सब, इससे पूछते हैं। मामा का ये 2021 में बनाया था। ये कौन, तेरी मौसी है? ये मामी है। और ये पहचानो कौन है गाइस, ये हम नहीं बताएंगे, ये आखिर में पता चलेगा कौन है। ये एनिमे का बनाया था मैंने। ये बनाया था 28 फरवरी को। ये बनाया था मैंने 7 जुलाई को 2022। ये मेरा सेल्फ पोर्ट्रेट है, 21 सितंबर को बनाया था ये, 2021 में बनाया था।
इसको तुम इग्नोर करो। हाँ इसको तो इग्नोर करो। ये मेरा फर्स्ट स्केच है, ये मैंने अपने खुद का बनाया, सेल्फ पोर्ट्रेट है ये। और ये कैप्टन अमेरिका, ये तो दो पेज खाली हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी एक हैं, लास्ट कुछ एक महीने के। अब तो भाई अब तो दिखा दे अजय नागर साहब को। तो अजय नागर को चलो तुम तो पहले ये देख लो, जैसे कि ये है, ये डेटा डालिए, सारे ऑर्डर स्केच है कोने में। और ये मेरी बुआ है, एंड ये तो जबलपुर से ऑर्डर स्केच आया था। और ये हमारे अजय नागर साहब, पहचानो कौन है अजय नागर साहब। तो शुरू करते बिना किसी देरी बोल सकते नहीं बोल सकते और नहीं बोल सकते तो शुरू करते बिना किसी देरी के, ये अपने कैरिमिनाटी साहब। तो गाइस अब बता देते कौन है, निकाल भाई किसका फोटो था अपन ने बोला था ना। तो गाइस निकालते कौन था वो हम बताते हैं। कहाँ गया? अरे हमारे चोमू साहब, अभी आपने भी बहुत बार देखा उसको। कहाँ गया है? कहाँ उड़ गया? हाँ तो गाइस इसका फोटो हम साइड में लगा देते हैं, अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये है रचित, बहुत अंतर आ रहा है। तो गाइस इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग मानता हूँ बहुत छोटा हुआ है, तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और ये ब्लॉग देखते हो आप गाइस तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और नए वीडियोस की जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारे अपडेट मैं वहीं देता हूँ। तो मिलते हैं उसमें, तो जब तक के लिए बाय बाय।